हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आप सबको पता होगा कि बिफोर 1 मंथ भी मैंने एक नोटिफिकेशन कवर किया था निपको का। तो निपको जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करता है। यहाँ पर वैकेंसीज पहले भी इन्होंने निकाली थी और यहाँ पर अब और वापस निकाली है। पहले भी गेट 2024 से रिक्रूटमेंट था और अभी भी गेट 2024 से रिक्रूटमेंट है। लेकिन अगर आप देखोगे, पहले जो वैकेंसीज आई थी वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए आई थी, और आज जो वैकेंसीज आई है वो सिविल के स्टूडेंट्स के लिए आई है। यहाँ पर निपको जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है और मिनी रत्ना कैटेगरी का पीएसयू है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आता है, और यहाँ पर ये एक मिनी रत्ना कैटेगरी का पीएसयू है। यहाँ पर अगर पोस्ट का नाम देखेंगे, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी सिविल E2 ग्रेड की वैकेंसीज आई है। यहाँ पर स्केल ऑफ पे जो है वो 50,000 से लेकर 1,60,000 है, जिसमें 3% का एनुअल इंक्रीमेंट आपका रहेगा। जनरल के लिए 25, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, पीडब्ल्यूडी के लिए 1, और टोटल 30 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। अपर एज लिमिट भी अगर आप देखोगे तो 30 ईयर, और पीडब्ल्यूडी के लिए 40 ईयर अपर एज लिमिट यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ पर अगर आप क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करो गाइस, तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी सिविल E2 ग्रेड के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, 65% मार्क्स से ज़्यादा आपके यहाँ पर होने चाहिए। और इसके अलावा अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके अलावा गेट 2024 का स्कोर कार्ड भी आपका होना चाहिए। इनिशियली अगर हम देखें गाइस, तो सैलरी स्केल जो आपका रहेगा 50,000 से 1,60,000 रहेगा, जिसमें 50,000 के आसपास आपका इनिशियली सैलरी रहेगा। उसमें 44.3 आपका बेसिक पे, मतलब अगर इस अमाउंट का आप 44.3 निकाल देंगे तो इतना आपका डीए रहने वाला है। इसके अलावा एचआरए, कैफेटेरिया 30% ऑफ बेसिक पे, लोकेशन बेस्ड, बहुत सारे जो अदर बेनिफिट्स और अलाउंसेज है वो भी आपके पास रहने वाले हैं। तो जो सैलरी स्लेब है डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर आप 1 ईयर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप जो है परमानेंट एम्प्लॉई यहाँ पर हो जाते हो, E3 ग्रेड में आप पहुँच जाते हो, उसमें आपका सैलरी भी इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा गाइस, सिलेक्शन प्रोसेस अगर हम देखें तो आपको सबसे पहले निपको की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। वहां से कॉल लेटर आ जाएंगे, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट पर जाकर गेट स्कोर कार्ड जो 2024 है उसके स्कोर कार्ड के बेसिस पे अप्लाई करना है। उसके बाद आपका जो है वो इंटरव्यू यहां पर होने वाला है। 80% वेटेज आपका गेट स्कोर कार्ड का रहेगा, 20% वेटेज आपका पर्सनल इंटरव्यू का रहेगा। उसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डालने हैं। 19 जुलाई 2024 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट जो है वो 8 अगस्त 2024 है। इससे पहले आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देने हैं गाइज। बाकी आपको आपको ये PDF जो है और एप्लीकेशन फॉर्म की जो लिंक वगैरह है वो मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपके करियर से रिलेटेड अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी, कई सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर आप भी उसका पार्ट रहेंगे तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। बाकी गाइज, आप सबको पता है गेट 2024 से डिफरेंट डिफरेंट नोटिफिकेशन आ रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत सारे नोटिफिकेशन मैंने कवर किए हैं। अभी कुछ बच्चे NTPC के रिक्रूटमेंट को लेकर परेशान होंगे, तो मैं आपको यहाँ पर एक क्लियरिटी देना चाहूँगा। NTPC का 2023 से अभी सेकंड लिस्ट आया है, दैट्स वाई जो रिक्रूटमेंट है वो अब सेप्टेम्बर एंड या अक्टूबर में जाके होने का चांस है गेट 2024 के बेसिस पर। तो जो बच्चे NTPC को लेकर परेशान है, आप लोग परेशान मत होइए। मे बी अगर आपका किसी IIT वगैरह में M.Tech में एडमिशन हो गया है तो आप उसमें पहले आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, एक दो मंथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका NTPC में हो जाता है, ज्वाइनिंग जब होती है तो अब आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपकी फीस लगेगी IIT में वो स्टाइपेंड में निकल जाएगी, और एज ए सेफ्टी भी आपका यहाँ पर मेंटेन रहेगा। तो इन माय ओपिनियन बच्चे जो भी गेट 2024 से इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। निपको में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की ऑलरेडी आ चुका था, एक प्रीवियसली एक नोटिफिकेशन आया था, अभी इस नोटिफिकेशन में सिविल के बच्चों के लिए आया है। तो गाइस, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल के लिए निपको ने इस बार रिक्रूटमेंट निकाली है। तो डेफिनेटली गाइज, और भी बहुत सारे PSU जब आए हैं, आपने देखा होगा सेल, एयरपोर्ट अथॉरिटी, NPCL का पूरा रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज, आगे भी और भी PSU आएंगे। अभी गेट 2024 से सारे PSU जो है वो अभी नहीं आए हैं, तो आप लोग पेशेंस के साथ वेट करते रहिए। आगे भी आपको जो भी नोटिफिकेशन वगैरह होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।